अंकिता यादव, आज हम मास्क बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए हम मैं पेपर पे बता रही हूँ और आप सेम कपड़े पे भी कर सकते हैं। तो पहले हम स्क्वायर में एक फैब्रिक लेंगे, कपड़ा लेंगे। आप पेपर पे ट्राई करिए। ये बिना मेजरमेंट का कट किया है, चाहे तो आप 12 इंच दोनों साइड से माप के कट कर सकते हो। और इसके बाद हम मास्क का मेजरमेंट करेंगे। तो ये देखिए स्क्वायर में कट हो गया। इसको हम कॉर्नर टू कॉर्नर फोल्ड कर देंगे एंड अगेन फिर सेंटर से फोल्ड कर देंगे। और ये 4 फोल्ड होना चाहिए। ये डबल फोल्ड का मास्क बनाते हैं, सिंगल फोल्ड का मास्क मत बनाइए, सिंगल कपड़े का मास्क मत बनाइए। तो यहाँ सेंटर से मैंने निशान लगा दिया उसे फोल्ड करके। और उसके बाद हम 6 इंच माप लेंगे, यहाँ से 6 इंच वहाँ डॉट लगा लेंगे। और साइड 5.5 इंच, 5.5 इंच ए साइड, 5.5 इंच ऊपर साइड। तो अभी हम यहाँ से इसको मार्क कर लेंगे, सर्कल में मार्क लगा देंगे और फिर नीचे से यहाँ से शेप दे देंगे। जो हमारे आई के नीचे शेप गहराई में शेप रहता है वो दे देंगे। तो आप दोनों साइड से दे सकते हो, मैं नीचे साइड से नहीं, मैं आँखों के इस तरफ से मैंने थोड़ा गहराई में शेप दे दिया 1/2 इंच का। और उसके बाद हम यहाँ 1 इंच माप करेंगे नीचे से, और जहाँ पे हमारा ये जो इलास्टिक है लगता है तो वहाँ से 1 इंच कट कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत इजी है, घर पे बैठ के आप मास्क बनाना सीखिए। मैं क्लास में लेडीज लोग को सिखा रही हूँ। तो ये देखिए 4 फोल्ड किया था, तो अभी सीधा करने के बाद ये डबल हो गया। फिर सेंटर से हम कट कर लेंगे और दो साइड। तो ये देखिए यहाँ से 1/2 इंच सिलाई में जाएगा दोनों साइड से। तो पहले हम जो दो फोल्ड था हमारा उसको ज्वाइन करेंगे, फिर अगेन हम दूसरे दोनों पार्ट को एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे। यहाँ मैं पिन लगा के बता रही हूँ, आप देख रहे हैं ध्यान से। तो इस तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे। इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक ऐसा मास्क। ये ऊपर का ये नाक का पोर्शन,